Hello everyone! Welcome to my channel, Astha's Amazing Science. I am Astha with you. In this video, we will see conserving resources. So, as we have been started the chapter first of class eight and 30 geography book that is resource, and I have already uploaded two parts of this chapter which I have given in the link in the description box. So, you could see that video too. So.

कि जो वाटर है हमारे पूरे अर्थ पे वो ड्राइड अप हो गया है और जो ट्रीज हैं वो भी कट डाउन हो गए हैं देर वॉज नो शेड एंड नथिंग टू ईट एंड ड्रिंक वहाँ पे रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है और कुछ भी खाने और ड्रिंक करने के लिए नहीं है पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डिसप्रेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड पीपल रोम करे मीन्स इधर उधर घूम रहे हैं क्या कर लुक कर रहे हैं देख रहे हैं फूड और शेड सो शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम उसने अपनी मदर को बताया इस ड्रीम के बारे में अम्मा कैन दिस आर रियली शी शिया अम्मा ने उसने अम्मा से पूछा कि क्या ये सचमुच हो सकता है यस yes, अमा रिप्लाइड अम्मा ने रिप्लाई किया कि हाँ यस ये हो सकता है इफ इफ वी आर नॉट केयरफुल इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्केयर्स एंड द नॉन रिन्यूएबल वन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड मीन्स अगर हम लोग केयरफुल नहीं रहेंगे तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कम होते जाएंगे और नॉन रिन्यूएबल तो डेफिनेटली ख़त्म ही हो जाएंगे वॉट कैन वी डू अबाउट इट राजू आस्क जब अमा ने रिप्लाई किया कि अगर हम लोग केयरफुल नहीं रहेंगे तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कम हो जाएंगे और नॉन रिन्यूएबल तो ख़त्म ही हो जाएंगे तब तो राजू क्या पूछता है कि क्या हम कर सकते हैं इस पर सो लॉर्ड्स रिप्लाइड अम अम्मीस बहुत कुछ कर सकते हैं अम्मा ने बोला यूजिंग रिसोर्स के वेरी केयरफुली एंड गिविंग दैम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन मीन हमें रिसोर्स को बहुत ज़्यादा केयरफुली अगर हम लोग यूज़ करेंगे एंड उसे टाइम देंगे कि वो फिर से रिन्यूड अप हो जाए तो उसे हम लोग रिसोर्स कन्जर्वेशन कहेंगे बैलेंसिंग द बैलेंसिंग द नीड टू तो यूज रिसोर्स एंड ऑल्सो कन्जर्व दैम फॉर द फ्यूचर इज़ कॉल्ड सब्टेबल डेवलपमेंट मीन्स अगर हम लोग अपनी नीड नीड से जितना हमारी नीड है रिसोर्सेस की उसे अगर हम लोग बैलेंस करके रखें और उसे हम लोग कंजर्व भी करेंगे मीन्स बचाएँगे भी फ्यूचर के लिए तो उसे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे ये दिस वन सस्टेनेबल डेवलपमेंट देयर आर मैनी वेज

ओके सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज वी हैव डिड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेयर सो आई हैव टोल्ड यू द बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सिज एंड ऑल्सो कंजर्व दैम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड यहाँ पर भी उसी के बारे में थोड़ा सा समझाया गया है देन वी विल सी दिस ऑल्सो carefully utilizing resources so that beside meeting the requirement of present also take care of future generation means इसमें भी वही बताया है अगर हम लोग resources को carefully use करेंगे और जितना हमें required है उतना ही use करेंगे तो हम लोग future की generation को भी take care कर सकते हैं so

अ uh, पैकेज बनाए और शॉपिंग बैग्स बनाए किससे आउट ऑफ न्यू ओल्ड न्यूज़पेपर पुराने न्यूज़पेपर्स से एंड डिस्कार्डेड क्लोथ और जो क्लो उन क्लोथ से जो जिनकी हमें जरूरत नहीं है एंड बास्केट फ्रॉम बैम्बू स्टिक्स और क्या बनाए बास्केट्स बनाए बैम्बू स्टिक्स से विल विल गिव ए फ्यू टू एवरी फैमिली वी वी नो सैड मोना मोना ने तब कहा कि हम कुछ थोड़ा थोड़ा हर फैमिली को देंगे जिन्हें जिन्हें हम लोग जानते हैं आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर ए वेरी गुड कॉज सैड मुस्तफा टू सेव आवर रिसोर्स एंड कीप आवर अर्थ अली मुस्तफ़ा ने कहा कि अगर हमें हम लोग इससे क्या कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को भी सेव कर सकते हैं और अपनी अर्थ को अलग रख सकते हैं आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुली नॉट टू वेस्ट पेपर सेट जैसी एंड जैसी ने क्या कहा जैसी ने कहा कि मैं बहुत केयरफुल रहूँगा रहूँगी नॉट टू वेस्ट पेपर और कि मैं पेपर्स को नहीं वेस्ट करूँगी मैनी ट्रीज़ आर कट डाउन टू मेक पेपर्स ही एक्सप्लेन उसने एक्सप्लेन किया कि बहुत सारे ट्रीज कटते हैं पेपर्स को बनाने के लिए आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट वेस्टेड इन माई हाउस मुस्तफा मुस्तफा ने चिल्लाते हुए बोला मैं देखूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में ना वेस्ट हो इलेक्ट्रिसिटी कम फ्रॉम वाटर एंड कोल क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वाटर और कोल से मिलती एज वी नो वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्स बट कोल इज़ नॉट इफ बिकॉज जो वाटर है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है बिकॉज वो क्विकली रिन्यूड अप हो जाता है बट जो कोल है वो रिन्यूड अप नहीं होता है सो इफ इट इट इज सो क्या होगा कि अगर कोल नहीं रहेगा तो हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं आ पाएगी इफ़ अगर हम लोग इसी तरीके से केयरफुल नहीं रहें तो ओके देन कम टू आवर नेक्स्ट पे आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट वेस्टेड एट होम सैड आशा आशा ने बोला कि मैं श्योर रहूँगी कि हमारे घर पे वॉटर ना वेस्ट हो बिकॉज एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रिशियस क्योंकि हर एक ड्रॉप वाटर का प्रिशियस है टूगेदर वी कैन मेक डिफ्रेंस क्रयूज द चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन ने एक तरह से कर उस जब होकर बोला मैं चिल्लाते हुए एक तरह से बोला एक साथ कि अब हम लोग डिफरेंस बना सकते हैं दीज आर सम ऑफ द थिंग्स मोना राजू एंड फ्रेंड्स डिड ये कुछ थिंग्स थी जो मोना राजू और उनकी फ्रेंड्स ने की वॉट अबाउट यू हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्स अब आप अपने बारे में बताइए अब किस तरीके से कंजर्व कर सकते रिसोर्सेज या आपको कमेंट बॉक्स में बताना है द फ्यूचर ऑफ आवर प्लान एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स हमारे प्लानट का फ्यूचर और हमारे जो पीपल्स लिव करते हैं उनका फ्यूचर सब लिंक्ड है हमारी एबिलिटीज़ एबिलिटी से टू मेटेन मेंटेन करना और प्रजर्व करना किसी लाइफ सपोर्ट सिस्टम को जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है देअ फोर इट इज़ आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट तो इसी लिए हमारी ड्यूटी है कि हमें क्या करना चाहिए ऑल यूजेज ऑफ रिनीबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल सारे जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो सस्टेनेबल होने चाहिए डाइवर्सिटी द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन दी अर्थ इज़ कंजर्व और जो डाइवर्सिटी है हमारे uh, uh, जो हमारे अर्थ की डाइवर्सिटी है लाइफ की वो कंजर्व होनी चाहिए एंड द डैमेज ऑफ नेचुरल इन्वामेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज और जो डैमेज है हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम का वो मिनिमाइज अब हो जाना चाहिए सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट अब हल्के यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स देखेंगे किसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सो लेट्स सी रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ मीन्स हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए और केयर करनी चाहिए सारे जितने भी लाइफ के फॉर्म्स हैं इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ और हमें ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना चाहिए कंजर्विंग कंजर्व द अर्थ विटा अर्थ विटैलिटी एंड द डाइवर्सिटी और हमें अर्थ की विटैलिटी और डायवर्सिटी को भी कंजर्व करना चाहिए मिनिमाइज द डेप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स और हमें डेप्लीशन मीन जो नेचुरल रिसोर्स का डेप्लीशन हो रहा है उसे हमें मिनिमाइज कर देना चाहिए कम कर देना चाहिए चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टूअर्ड द इन्वायरमेंट और हमें अपना पर्सनल एटीट्यूड को चेंज करना चाहिए और हमें प्रैक्टिस करना चाहिए कियर टूअर्ड द इन्वायरमेंट इनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट और हमें क्या करना चाहिए इनेबल करना चाहिए कम्युनिटीज़ को कि वो केयर करें अपने खुद के इन्वायमेंट के सो दिस इज़ दी हाउ वी कंजर्व एंड वॉट इज हाउ वी कंजर्व द रिसोर्सेज सोम दिस इज द लास्ट पार्ट एंड बाय दिस आवर चैप्टर हैज़ बिन फिस्ड एंड वी विल सी द नेक्स्ट वीडियो इन नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो सो थैंक यू एवरी मन आई हैव नाइज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेगा बेलाइकन को दोबारा मत भलेगा